आशीर्वाद किचन बाय सुधीर सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च आलू। उसके लिए हमें चाहिए ये 6 से 7 शिमला मिर्च है जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आलू लिए, 2 आलू लिए जिनको मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है। प्याज लिया है, 1 प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है आप डालिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से धनिया, धनिया को हम थोड़ा सा इनको स्प्लिटर होने दीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग अदरक और लहसुन। अदरक की मैंने 1 कली ली है और लहसुन मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, अब इसको हल्का सा हम इसको ब्राउन होने देते हैं। आंच को हम लोगों ने मीडियम रखना है। ये देखिए हमारे जो लहसुन और अदरक है हल्का हल्का देखिए ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब टाइम है इनके अंदर कटा हुआ प्याज डालने का। इसको हमने पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्के से गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इससे क्या हो जाएगा ये जल्दी शुरू हो जाएगा बनना। देखिए हमारे जो प्याज हैं गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब टाइम है हमारा इसके अंदर कटे हुए टमाटर डालने का। आप इसको सूखी भी बना सकते हैं बीच में ये सब ना डालकर, लेकिन अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे तो जो आपकी शिमला मिर्च आलू है काफ़ी जूसी बनेंगे और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब ये टाइम है हमारा जब हम ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है और लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हम थोड़ी कम खाते हैं तो मैंने कम ली है। अब इसको हम तड़के को पूरा भुनेंगे और हमें पता कैसे लगेगा कि तड़का हमारा भुन गया है, जब ये तेल छोड़ना शुरू कर देगी तो सोचिए समझिएगा कि हमारा जो तड़का है वो बनना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर दीजिएगा टमाटर को। अभी बस ये 1-2 मिनट के अंदर ये तड़का जो है हमारा वो रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा ये जो है तड़का ये बनना ऑलरेडी बन गया, देखिए तेल छोड़ रहा है। अब टाइम है हमारा इसके अंदर आलू डालने का। शिमला मिर्च अभी मत डालिएगा क्योंकि शिमला मिर्च क्या है बहुत जल्दी बन जाती है, तो पता लगा आपके आलू बने नहीं और शिमला मिर्च तैयार हो गई है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आलू को हम लोग 80% बनाएंगे और उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए, 5 मिनट लगेंगे इसको, 2 से 5 मिनट इसको हम लोग अब कवर कर देते हैं। देखिए हमारे आलू 80% रेडी हो गए हैं। कैसे पता लगेगा ये देखिए, इसको थोड़ा सा करछी इसको अगर आप डालते हैं, देखिए ये बन गए। अब टाइम है हमारा इसके अंदर जो हमने शिमला मिर्च काट के रखी है उसको डालना, और अब ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप मेक श्योर ये करो कि आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालोगे, बिना पानी के ये बनती है।
ये देखिए हमारी अभी शिमला मिर्च भी तैयार हो गई है। देखिए शिमला मिर्च भी तैयार हो गई है। अब हम फाइनल टच के लिए इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। आप इसको घिसकर पीस कर भी थोड़ा डाल सकते हैं मसल कर, नहीं तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे को साबुत डालना पसंद है तो मैंने इसको इस तरह डाल दिया। अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। आइए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया आपकी शिमला मिर्च। गैस कर दीजिएगा बंद। ये देखिए आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।